वी स्टार्ट। कमेंट कहाँ पे? यहाँ पे सर कमेंट। ठीक गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं बुदेव कुमार केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर लुसेंट कोचिंग सेंटर गुड़गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ज्योग्राफी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक्स जीके का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख जिले भाई। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में कौन कौन सी प्रमुख जिले पाई जाती है और उनकी क्या खास बात है भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर लेक्स इन इंडिया, यानी भारत की प्रमुख झीले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीले भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झील क्या होती है। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, झील क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछ ले झील क्या होती है तो आपका आंसर क्या होगा भाई? देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछ ले झील क्या होती है तो आपने आंसर देना है जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से सथल से घिरा हो, क्या कहलाता है? झील कहलाता है। मैंने क्या बताया है? जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से सथल खंड से घिरा हो क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा झील कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत में कौन कौन सी प्रमुख झील हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी क्या खास बात है भाई। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, यदि कोई आपसे पूछ ले द स्टडी ऑफ लेक्स, या इसको हिंदी में बोल देते हैं झीलों का अध्ययन, सबसे पहला हमारा पॉइंट है। अगर कोई आपसे पूछ ले झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो हमारा राइट आंसर होगा लिमनोलॉजी। ये HSSC ने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ लेक्स, तो हमारा राइट आंसर होगा लिमनोलॉजी। झीलों का अध्ययन कहलाता है लिमनोलॉजी। सेकंड हमारा पॉइंट है द सिटी ऑफ लेक्स। अगर आपसे पूछ ले भारत में झीलों का शहर, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत में झीलों का शहर, तो हमारा राइट आंसर होगा उदयपुर में एक जगह, राजस्थान में एक जगह है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान, यानी उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है? झीलों का अध्ययन लिमनोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिमनोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात मैंने बताई है कि भारत में झीलों का शहर, तो हमारा राइट आंसर होगा उदयपुर भाई। राजकुमार यादव भाई, राधे कृष्णा भाई, तो ध्यान रखना है द सिटी ऑफ लेक्स, भारत में झीलों का शहर आपसे पूछ ले तो राइट आंसर होगा उदयपुर। अब इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला
आर्द्र भूमि शहर भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर आपसे पूछ ले तो भी हमारा राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड सिटी क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में टोटल वेटलैंड कितने हैं, वर्तमान में टोटल वेटलैंड है आर्द्र भूमि है 75। और ध्यान रखना भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया है, तो राइट आंसर होगा उदयपुर को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि द टाउन ऑफ लेक्स, अगर आपसे पूछ ले द टाउन ऑफ लेक्स इन इंडिया, यदि आपसे पूछ ले भारत में झीलों का नगर, तो राइट आंसर होगा हमारा श्रीनगर भाई। भारत में झीलों का शहर उदयपुर, लेकिन आपसे नगर पूछ ले तो ध्यान रखना नगर के सामने ही आपने लगाना है श्री, तो श्रीनगर को भारत में झीलों का क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है। पॉइंट क्या है? द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, या इसको हिंदी में लिख देता है हजार झीलों का देश। विश्व में हजार झीलों का देश आपसे पूछ ले तो राइट आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड एक देश है यूरोप में भाई, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, नाम क्या है फिनलैंड, और इसको विश्व में हजार झीलों का क्या बोलते हैं, देश बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है, आपसे पूछ लेगा कौन सा देश, तो राइट आंसर हमारा होगा फिनलैंड। एक संगठन है जिसका नाम क्या है, नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान रखना इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। कहां पे हुई थी, तो यूएसए की राजधानी है जिसका नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 में एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या है, नाटो। और ध्यान रखना है इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं, 31 मेंबर है। 31वां मेंबर कौन सा है, तो राइट आंसर होगा फिनलैंड। और ध्यान रखना है इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, और ये कहां पे है, तो बेल्जियम एक देश है जो यूरोप का देश है, और इसको यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले यूरोप का अखाड़ा, तो हमारा राइट आंसर होगा बेल्जियम देश है, वहीं पे एक जगह है ब्रुसेल्स, और वहीं पर नाटो का क्या है, हेडक्वार्टर। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि भाई जो नाटो है उसका नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो हमारा राइट आंसर होगा फिनलैंड देश है। और फिनलैंड देश की क्या खास बात है, इसे हजार झीलों का देश, या लिख दे 10,000 झीलों का क्या बोलते हैं, देश बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यदि आपसे पूछ ले कि भाई वुलर झील कहां पर है,
सबसे पहली जो झील है उसका नाम क्या है? वूलर झील। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछ लेगा वूलर झील कहां पर है, तो हमारा राइट आंसर होगा जे एंड के में है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में एक झील है जिसका नाम क्या है? वूलर झील। नाम क्या है? वूलर झील। क्या खास बात है इसकी? तो आपने लिखना है इसको गोखुर झील कहते हैं, यानी ये गोखुर झील का एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछ लेगा ये गोखुर क्या होता है, तो जैसे ही नदी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वे गौ के खुर जैसी आकृति का निर्माण करती है और वहां पर एक झील का निर्माण होता है जिसको नाम दिया जाता है गोखुर झील। तो आपसे पूछ लेगा कि वूलर झील किस झील का एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर होगा ये गोखुर झील का क्या है? एग्जाम्पल है। फिर आपसे पूछ लेगा कि वूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है, तो ध्यान रखना है झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है, और ध्यान रखना है झेलम नदी पर जे एंड के में एक परियोजना है, नाम पूछ लेगा तुलबुल परियोजना। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, या इंग्लिश में लिख देगा तुलबुल प्रोजेक्ट, तो हमारा राइट आंसर होगा झेलम नदी पर है। और ध्यान रखना ये तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, हमारा राइट आंसर होगा ये है जे एंड के में। तो सबसे पहली झील हमने डिस्कस की है जिसका नाम क्या है? वूलर झील। मैंने बताया है वूलर झील जे एंड के में है। दूसरी बात मैंने बताई है कि यह गोखुर झील का क्या है? एग्जाम्पल है। फिर मैंने बताया है कि भाई इस झील से झेलम नदी होकर बहती है, यानी यह झील झेलम नदी से पानी प्राप्त करती है, और क्या खास बात है यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई। अगर आपसे पूछ लें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ, तो हमारा राइट आंसर होगा नाम क्या है? वूलर झील भाई। ठीक है, तो हमने डिस्कस क्या क्या किया है कि भाई अगर आपसे पूछ ले झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा लिम्नोलॉजी। फिर आपसे पूछ ले भारत में झीलों का शहर, तो राइट आंसर होगा उदयपुर, और उदयपुर के बारे में मैंने बताया है कि उदयपुर को भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर घोषित किया गया है, या लिख दे रामसर साइट। आर्द्र भूमि को बोलते हैं रामसर साइट, क्योंकि ईरान का एक शहर था रामसर, ठीक है, वहीं पर यह समझौता हुआ था भाई। तो ध्यान रखना है भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर, तो भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उदयपुर। फिर मैंने बताया है भारत में झीलों का नगर, राइट आंसर क्या होगा? श्रीनगर। और ध्यान रखना है श्रीनगर को बसाया था अशोक ने, और अशोक कौन से वंश से था, तो राइट आंसर होगा मौर्य वंश से था। इसके बाद मैंने बताया है अगर आपसे पूछ ले विश्व में हजार झीलों का देश, तो राइट आंसर क्या होगा? फिनलैंड। और ध्यान रखना जो फिनलैंड है वो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है भाई, ठीक है, तो नाटो का 31वां मेंबर आपसे पूछ ले तो भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? फिनलैंड होगा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगली जो झील है उसका नाम है डल झील भाई। सेकंड जो झील है जो इंपॉर्टेंट है आपसे पूछ लेगा
डल झील कहां पर है? तो राइट आंसर होगा जे एंड के में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। प्रॉपर जगह पूछ ले, श्रीनगर में है भाई। जे एंड के में कहां पर है? श्रीनगर। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। अशोक कौन से वंश से था? मौर्य वंश से था भाई। और ध्यान रखना है यहीं पर एक झील है जिसका नाम क्या है? डल झील। तो डल झील कहां पे है? श्रीनगर में है। और ध्यान रखना है इस झील को एक नाम से पुकारते हैं, श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का गहना, ज्वेलरी ऑफ श्रीनगर। आपसे पूछ ले श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा होगा डल झील को। अब यहीं पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछ लेगा एलिगेटर गार फिश नाम क्या है? एलिगेटर गार फिश भाई मछली की एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है? एलिगेटर गार फिश। आपसे पूछ लेगा ये मछली कहां पर पाई गई है? तो राइट आंसर होगा डल झील में भाई। कहां पर पाई गई है ये? डल झील में पाई गई है भाई। तो मैंने बताया है डल झील जे एंड के में है। जे एंड के में कहां पर है? श्रीनगर में। और ध्यान रखना है कैसी झील है? मीठे पानी की झील है भाई, ये फ्रेश वाटर लेक है। और इसको बोलते हैं श्रीनगर का गहना। और यहां पर एक मछली की वैरायटी पाई गई है जिसका नाम क्या है? एलिगेटर गार फिश। तो आपसे पूछ सकता है करंट अफेयर में कि ये मछली किस झील में पाई गई है? तो राइट आंसर हमारा होगा डल झील, जो कहां पर है? तो राइट आंसर है ये है श्रीनगर में। इसके बाद अगली जो झील है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट झील है वो है सांभर झील भाई। अगली जो झील है वो है सांभर झील, ठीक है। आपसे पूछ लेगा सांभर झील कहां पर है? तो राइट आंसर होगा सांभर झील है राजस्थान में भाई। कहां पर है? राजस्थान में है भाई सांभर झील। आपसे पूछ ले कहां पर है? राजस्थान में है। क्या खास बात है? तो आपने लिखना है भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है भाई। अगर आपसे पूछ ले भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो सथल के अंदर है, राजस्थान के अंदर, आपसे नाम पूछ लेगा, तो राइट आंसर होगा सांभर झील। और ध्यान रखना है ये जो झील है ये नमक प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के टोटल नमक का लगभग 10% यहीं से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले भारत में टोटल नमक का 10% भाग कौन सी झील से प्राप्त किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा सांभर झील से। सांभर झील कहां पे है? राजस्थान में है। क्या खास बात है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। और ध्यान रखना ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ ले स्टैटिक जीके में, अगर आपसे आप पूछ ले
केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान, तो राइट आंसर हमारा होगा भावनगर में है। और भावनगर कहां पे है? गुजरात में है। भावनगर गुजरात में आपने ध्यान रखना है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपसे पूछ ले कहां पर है, तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान है कहां पर? गुजरात में। जगह कौन सी है? भावनगर। और अगर आपसे पूछ ले भारत में नमक के उत्पादन में, भारत में नमक के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, तो भी हमारा राइट आंसर होगा गुजरात। भारत में नमक के उत्पादन में और मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है गुजरात का, मूंगफली के उत्पादन में। और ध्यान रखना है नमक के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है किसका भाई? गुजरात का। और ध्यान रखना है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भी कहां पे है? कहां पे है? गुजरात में है भाई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले किस देश में, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है भाई, अगर आपसे पूछ ले किस देश में साल्ट रेंज पाई जाती है, नमक की पहाड़ी, अगर आपसे पूछ ले किस देश में नमक की पहाड़ी या साल्ट रेंज पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा पाकिस्तान। राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। और ये पहाड़ी आपने ध्यान रखना है जिसका नाम है साल्ट रेंज, ये विश्व में सेंधा नमक के लिए, सेंधा नमक के लिए ये पहाड़ी बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लेगा वो कौन सी पहाड़ी है जो सेंधा नमक के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर होगा साल्ट रेंज। रेंज का मतलब क्या होती है? पहाड़ी। तो नमक की पहाड़ी है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ग्रेट साल्ट लेक, लेकिन अगर आपसे पूछ ले ग्रेट साल्ट लेक नमक की झील, तो राइट आंसर हमारा होगा यूएसए। ये पॉइंट भी आपने साथ के साथ याद रखनी है भाई। मैंने क्या बताया है? भारत में नमक के उत्पादन में पहला स्थान है गुजरात का। और ध्यान रखना है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। फिर मैंने बताया है साल्ट रेंज पाई जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भी एक प्रांत है पंजाब, वहीं पर आपने ये देखने को मिलती है। और ये विश्व में सेंधा नमक के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछ ले ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है, तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रेट साल्ट लेक मींस झील कहां पर है, तो राइट आंसर होगा यूएसए में है। कहां पे है? यूएसए में है। इसके बाद अगली जो झील है फोर्थ झील, उसका नाम क्या है? लोनार झील। अगर आपसे पूछ लें लोनार झील कहां पर है, तो ध्यान रखना है लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है भाई। अगर प्रॉपर जगह पूछ ले तो बुलढाणा जगह है भाई, बुलढाणा जगह है। मैंने क्या बताया है? लोनार झील आपसे पूछ ले कहां पर है? महाराष्ट्र में है।
कौन सी जगह है? बुलडाणा जगह है भाई। क्या खास बात है? पहली खास बात है ये अंडे के आकार की झील है, अंडे के आकार की झील, या लिख दे कटोरे के आकार की झील कौन सी है, तो राइट आंसर होगा हमारा लोनार झील भाई। क्या खास बात है? भारत की एकमात्र ज्वालामुखी उद्गार से, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है भाई, यानी ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है भाई। ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है? जब पृथ्वी की आंतरिक परत में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है तो जमीन के सबसे नीचे पाया जाता है लाल तप्त मैग्मा, और वो मैग्मा जमीन के कमजोर भाग से निकलने की क्या करता है? कोशिश करता है, और जमीन से बाहर निकलने के लिए वो एक मुख बनाता है भाई पृथ्वी पर, जिसको बोलते हैं क्रेटर। तो ध्यान रखना ये कैसी झील है? क्रेटर झील है भाई। तो अगर आपसे पूछ ले भारत की एकमात्र ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा होगा कौन सी झील है? लोनार झील। कहां पे है? महाराष्ट्र में। दूसरी इसके पीछे कहावत क्या है कि पुराने समय में एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और उसने पृथ्वी में गहरा गड्ढा कर दिया, और कुछ समय के बाद वो गहरा गड्ढा पानी से क्या हो गया? फुल हो गया, और उसने एक झील का रूप ले लिया। आपसे पूछ लेगा वो झील कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर होगा वो झील कौन सी है? लोनार झील। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भारत की एकमात्र ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील बताओ, तो राइट आंसर होगा लोनार झील है। कहां पर है? तो राइट आंसर हमारा होगा ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है भाई। कौन सी जगह पे है? तो ध्यान रखना है कौन सी जगह पे है ये? बुलढाणा जगह पे है। इसके बाद नेक्स्ट जो झील है उसका नाम क्या है? चोलामू झील भाई। अगली जो झील है उसका नाम है चोलामू झील। आपसे पूछ लेगा चोलामू झील कहां पर है, तो राइट आंसर हमारा होगा ये सिक्किम में है भाई। चोलामू झील कहां पर है, तो राइट आंसर हमारा होगा सिक्किम में। क्या खास बात है? भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है भाई। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है भाई। आपसे नाम पूछ लेगा तो हमारा राइट आंसर होगा चोलामू झील कहां पे है? सिक्किम में है। और क्या खास बात है? इस झील से तीस्ता नदी निकलती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था तीस्ता नदी कहां से निकलती है, तो तीस्ता नदी निकलती है चोलामू झील से, और चोलामू झील है कहां पे? सिक्किम में। और ध्यान रखना है तीस्ता जो नदी है ये सहायक नदी है किसकी? ये एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी? तो हमारा राइट आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की एकमात्र पुरुषवाचक नदी है भाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में नाम दिया जाता है क्या? सांगपो।
तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवाद है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिस्ता नदी यानी वो कौन सी नदी है जिसके पानी को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो नदी कौन सी है, तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी कहां से निकलती है, चोलामू झील से। और चोलामू झील कहां पे है, सिक्किम में है। क्या खास बात है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नदी बताओ, राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो। और आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। यहां तक क्लियर है, तो ध्यान रखना है चोलामू झील सिक्किम में है और यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है भाई। अगली झील है, अगली जो झील है वो है रेणुका झील भाई। अगली जो झील है वो है रेणुका झील। आपसे पूछ लेगा कहां पर है, तो राइट आंसर होगा ये है हिमाचल प्रदेश में। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं हिंदी में भाई, रेणुका झील। अगर आपसे पूछ ले रेणुका झील कहां पर है, तो राइट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश में है। क्या खास बात है, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है भाई, भारत की सबसे छोटी वेटलैंड आपसे पूछ ले कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा होगा रेणुका झील है। स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, तो राइट आंसर हमारा होगा रेणुका झील है। कहां पर है, राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने बताया था भारत में टोटल वेटलैंड कितनी है, 75 है भाई। ठीक है, टोटल वेटलैंड कितनी है, 75 है। और एक रामसर सिटी कितनी है, वेटलैंड सिटी कितनी है, एक है, नाम क्या है, उदयपुर। रामसर साइट कितनी है, 75 है। लेकिन रामसर सिटी या वेटलैंड सिटी बोल दे, एक है, नाम क्या है, उदयपुर। ठीक है, तो ध्यान रखना है भारत में टोटल वेटलैंड आपसे पूछ ले तो हमारा राइट आंसर होगा कितनी है, 75। और याद रखना है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर होगा 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड पूछ ले, राइट आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन कहां पे है, तो ध्यान रखना है ये है पश्चिमी बंगाल में भाई, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन रामसर साइट, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। लेकिन सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है।
वर्तमान में टोटल वेटलैंड कितनी है? 75 है। वेटलैंड डे कब मनाया जा है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो राइट आंसर होगा हमारा, कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी को। तो ध्यान रखना है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत की सबसे छोटी क्या है? वेटलैंड है भाई। इसके बाद अगली जो झील है यहीं पर, नाम क्या है? बेम्बानंद। बेम्बानंद झील भाई कहां पर है? ये केरल में है भाई। क्या खास बात है? ये एक लैगून झील है भाई। देखो लैगून क्या होती है, पहले ये सुन लो ध्यान से एक बार। बेम्बानंद झील कहां पर है? केरल में है। क्या खास बात है? ये एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब क्या होता है? जब समुद्र का पानी स्थल भाग में प्रवेश करता है और बीच में रुकावट आने के बाद वो समुद्र का पानी समुद्र से अलग हो जाता है और एक झील का रूप ले लेता है, तो उसको नाम दिया जाता है लैगून झील। तो आपसे पूछ लेगा बेम्बानंद झील कहां पे है? केरल में है। क्या खास बात है इसकी? आपने लिखना है भारत की सबसे लंबी झील है भाई। भारत की सबसे लंबी झील लगभग 96 किलोमीटर, लगभग 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपसे पूछ लेगा भारत की सबसे लंबी झील बताओ, तो राइट आंसर होगा बेम्बानंद है। और ध्यान रखना है केरल में एक पर्व मनाया जाता है, ओणम पर्व। ओणम पर्व के अवसर पर, ठीक है, इस झील में बोट रेस करवाई जाती है। आपसे पूछ लेगा वो कौन सी झील है जिसमें ओणम पर्व के अवसर पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, या लिख देगा बोट रेस का आयोजन करवाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा, कौन सी झील है वो? बेम्बानंद झील। कौन सी झील है? बेम्बानंद झील है। तो आपसे पूछ ले कि बेम्बानंद झील कहां पे है? केरल में है। क्या खास बात है? ये लैगून झील है और भारत की सबसे लंबी झील है और इस झील पर ओणम पर्व के अवसर पर बोट रेस का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा वो कौन सी झील है जहां पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, या लिख देगा स्नेक बोट रेस का आयोजन करवाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बेम्बानंद झील भाई। अगली झील है अगली जो झील है अगली जो झील है नाम क्या है? चिल्का झील भाई। आवाज नहीं, ध्यान से सुनो एक बार। अगली जो झील है वो चिल्का झील है भाई। आपसे पूछ लेगा चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है भाई। याद कैसे रखना है? चील ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है,
और उसी से बनाना है उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में है। कैसी झील है ये? एक लैगून झील है भाई। लैगून झील है भाई। तो अगर आपसे पूछ ले चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है, लैगून झील है। और क्या खास बात है, अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील बताओ, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, ना मीठा पानी लिखें ना खारा पानी, तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू एरिया भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील बताओ, ना मीठा पानी लिख रखा हो ना ही खारा पानी लिख रखा हो, तो राइट आंसर हमारा होगा चिल्का झील है। कहां पे है? उड़ीसा में। और ध्यान रखना है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील भी है भाई। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ, तो राइट आंसर होगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, तो राइट आंसर होगा चिल्का झील। फिर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील बताओ, तो भी राइट आंसर क्या होगा? चिल्का झील भाई। इसके बाद ध्यान रखना है कि भाई जो चिल्का झील है इसके एक खास बात और है, चिल्का झील को भारत की फर्स्ट वेटलैंड घोषित किया गया था, भारत की पहली आर्द्र भूमि। अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली आर्द्र भूमि किस झील को घोषित किया गया था, तो चिल्का झील है। आपसे पूछ लेगा कहां पर है, तो राइट आंसर होगा हमारा उड़ीसा में है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, या पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील बताओ, तो राइट आंसर हमारा है चिल्का झील। इसके बाद और क्या क्या खास बात है, और खास बात क्या है इसकी, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखना है, इस झील के किनारे नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है भाई। आपसे पूछ सकता है वो कौन सी झील है जिसके किनारे नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमारा राइट आंसर होगा चिल्का झील भाई। चिल्का झील के किनारे नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। तो मैंने क्या बताया है, चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, फिर मैंने बताया भारत की यह सबसे बड़ी झील भी है, और इसको फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया भारत की पहली आर्द्र भूमि से क्या किया गया है, घोषित किया गया है, और इसी के किनारे नेवी का क्या है भाई, ट्रेनिंग सेंटर भी क्या है, स्थित है भाई। क्लियर है यहां तक? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चिल्का झील में एक मछली की वैरायटी देखने को मिलती है, नाम क्या है? झींगा मछली। अगर आपसे पूछ ले झींगा मछली कहां पर पाई जाती है, कौन सी झील में
झींगा मछली देखने को मिलती है, तो राइट आंसर हमारा होगा चिलिका झील भाई। और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें एक क्रांति लेकर आए थे, नाम क्या है? गुलाबी क्रांति। अगर आपसे पूछ ले झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति भाई। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगर आपसे पूछ ले कौन सी क्रांति, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? नीली क्रांति। लेकिन झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या मीट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आपसे पूछ ले कौन सी क्रांति, तो ध्यान रखना है गुलाबी क्रांति है भाई। कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति है। इसके बाद आज का लास्ट पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले पुलिकट झील कहां पर है, अगली जो लास्ट हमारी झील है वो है पुलिकट झील। पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश भाई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील स्थित है, नाम आपसे पूछ लेगा तो राइट आंसर होगा हमारा पुलिकट झील। दूसरी खास बात क्या है, ये भी क्या है? लैगून झील है भाई। ये भी कैसी झील है? लैगून झील है भाई। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और ये कैसी झील है? लैगून झील है। और ध्यान रखना है इसी पर एक द्वीप स्थित है भाई, इसी पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। आपसे पूछ लेगा श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है भाई। कौन सी झील पर स्थित है? राइट आंसर होगा पुलिकट झील पर स्थित है। और ध्यान रखना है इसी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है भाई। अगर आपसे पूछ ले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, आपसे पूछ लेगा वो कौन सी झील पर, तो पुलिकट झील। और पुलिकट झील पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये झील कहां पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, और इसी पर आपने ध्यान रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है? स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है पुलिकट झील कहां पर है, तो हमारा राइट आंसर होगा पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। तो आज के लिए इतना ही भाई।
कौन सी डिप्रेशन? बैठ जाओ। बैठने के बाद भाग रहा है बाहर। हेलो, स्वागत है आप लोगों का कैडिटी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज के दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक क्लास मैंने करा दी थी जिसमें बेसिक वाले परसेंटेज टू फ्रैक्शन बता दिए थे, ठीक है? तो आज आगे देखते हैं। हमने बेसिक परसेंटेज से फ्रैक्शन पे बता दिया था क्वेश्चन। आज हम लोग पीपीटी पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक से कराता हूँ, ठीक है? वो नहीं, ऑफ नहीं करना है, वो लगाना है। ऊपर से पेन ड्राइव दिए होंगे सर, वो पेन ड्राइव दिए हैं कि नहीं? ऊपर दिए हैं, लगाना है पेन ड्राइव। क्वेश्चन लगा लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नहीं बनाया, आने दो। चलो तब तक एक क्वेश्चन लगाइए, एक क्लास हुई अभी तक, ठीक है? क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। इज इंक्रीज्ड बाय it becomes 140% of itself what is the number लगा तो कैसे लगेगा? इसको कैंसिल हटा दें, इसको नेट कहाँ है, कनेक्ट करेंगे अपना। कहाँ गया? हो गया।
तो छोटा कैसे होगा ये, यहां से छोटा, तो ऐसे छोटा नहीं हो रहा है, इस पे नहीं आएगा, इस पे इतना बहुत बड़ा आ रहा है ये। इतना बड़ा बड़ा आएगा कहीं से तो होता होगा, नहीं हो रहा। सेफ, सेफ में नहीं, नहीं वो तो सेफ है। बीसी पे पढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर में क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ आएगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे, बहुत बड़ा बड़ा है। चलो कहाँ लगाऊंगा, कहाँ मैं, चलो ठीक है जाओ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें तो। चलो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है ये, सॉल्व करें इसको। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 25% गिव्स 240 as result, the number is, एक संख्या जब 25% कम होती है तो परिणाम 240 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। सॉल्व करेंगे इसको, एक संख्या जब 25% कम हो जाती है तो परिणाम 240 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। मैं एक पहले रूल बताता हूं आपको, अगर मैंने आपसे कह दिया कोई संख्या अपने आप की तीन गुनी हो गई, या मेरी इनकम आपकी इनकम की पांच गुनी हो गई, या एक इनकम बी की इनकम की पांच गुनी हो जाती है, तो पांच गुनी का मतलब है कि बी की इनकम अगर एक रुपए होगी तो एक इनकम कितनी होगी, पांच रुपए होगी। अगर मैं कह दूं पांच गुनी हो रही है, यानी पांच बटे एक गुनी हो रही है, तो इसका मतलब है अगर बी की इनकम एक है तो ये पांच हो गई। जिसका मैं बोलूंगा वो कौन होता है, डिनोमिनेटर, और जो गुना होता है वो कौन होता है, न्यूमरेटर। जैसे अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया ए की इनकम बी की इनकम से पांच गुनी ज्यादा है, तो 5/1 टाइम्स मोर देन होगा, यानी बी की इनकम एक होगी और इसकी पांच ज्यादा होगी, तो ए की इनकम कितनी होगी, छह होगी। तो सेम चीज यहां पर लागू करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में ए अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% घट जाती है, तो 25% का मतलब होता है 25/100। 25/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो पहले वो संख्या कितनी थी, चार थी, अभी वो संख्या कितनी कम हो गई, एक कम हो गई, तो कितनी हो जाती है, तीन। चार की वैल्यू तीन हो जाती है, और तीन की जगह पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 240। तीन की वैल्यू 240 के बराबर है, कैसे आएगी, 80 का गुणा करके, 3×8=24, 80 का गुणा करेंगे तब आएगी। तो चार की वैल्यू क्या होगी, चार की वैल्यू होगी 320। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 320। ठीक है, बात समझ आ रही है। एक संख्या को हमने 25% कम कर दिया तो परिणाम कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। तो वो संख्या पूछी जा रही है, तीन की वैल्यू है 240, तो चार की वैल्यू होगी 320। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, A number when reduced by 12.5% gives 560. As result, the number is. देखना ध्यान से। एक संख्या जब 12.5% कम हो जाती है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने कल, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी पहले वो संख्या कितने पार्ट थी, 8 यूनिट थी,
अभी एक यूनिट कम हो गई तो कितनी हो गई, 7 यूनिट हो गई। 7 की वैल्यू कितनी गिवेन है क्वेश्चन में, 7 की वैल्यू गिवेन है 560। 7 को 560 बनाना है, कितने से गुणा करेंगे, 80 से। तो आप बताओ हमें, 8 का अगर 80 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 8 जा 64, 640। तो 640 क्वेश्चन का आंसर है। हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If the monthly salary of an employee is increased by 8 1/3 होना चाहिए था, 8 1/3%, then हिंदी में क्या लिखा, ये भी 8 by 3%, 8 1/3%, then get 72 more than his salary, his monthly incomes is, monthly income क्या होगी आपको बताना है। इसको change कर देंगे 8 1/3%, 8 1/3%, 8 by 3% करने पर दिक्कत हो जाए, 8 1/3%, 8 1/3%, बोलना 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/12 होती है, 1/12, और हो कितनी जाती है, 13। इंक्रीज्ड हो रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब सही है, 8/3 सही है, 8/3 सही है। देखना ध्यान से, 8/3% को क्या बोलते हैं, 8/3 × 100, क्लियर ना, 8 से इसको डिवाइड करेंगे क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 से डिवाइड करेंगे 25, क्या आ जाएगा, 2/75, 2/75, बताओ 75 से कितनी हो जाती है, 77 हो जाती है, और 77 की वैल्यू कितनी गिवेन है, 72 गिवेन है, 72, 77 की वैल्यू है 72, और 75 की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन एरर है, क्या कर रहे हैं, अच्छा 72 मोर देन। यदि एक कर्मचारी को मासिक वेतन इतना बढ़ जाता है तो वह 72 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है, ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी है, 72 है, पहले वो कितनी थी, 75 थी, अभी कितनी हो गई, 77, 75 से कितनी हो गई, 77, कितनी ज्यादा हो गई, 2, 2 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 72 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 36, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 36, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 75 की, 75 × 36, ठीक है, इसके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए। सॉल्व करना कितना आ रहा है, 36 × 5 = 180, और 36 और 7, 7 × 6 = 42, 25 से गुणा करते तो रिजल्ट क्या आता, 36 का 900 आता, 9 × 3 = 2700, 2700 क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन 2700। फिर से समझ लेंगे क्या होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है एक संख्या को 8/3% बढ़ाया जाता है तो उसकी जो इनकम होती है वो कितनी बढ़ जाती है, 72 रुपए, 72 रुपए बढ़ जाती है, 8/3% को क्या बोलते हैं, 8/3 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/75, पहले उसकी इनकम कितनी रही होगी, 75 रही होगी, और अभी उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 77 हो जाती है, यूनिट में बताओ कितनी बढ़ जाती है, यूनिट में 2, 2 की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 की वैल्यू गिवन है 72, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 36, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 36, आपसे पूछ रहा है 75 की वैल्यू बता दो, तो 75 की वैल्यू क्या होगी, 75 की वैल्यू होगी 75 × 36, 75 × 36, अगर ये 25 होता 25 तो इसको लिखते 100/4, 25 को लिखते 100/4, 4 से गुणा करते तो आता 9, 900 आता रिजल्ट, फिर अगर ये 25 होता तो रिजल्ट क्या आता, 900, कैसे 25 × 36 होता तो 25 को क्या लिख देते हम लोग, 100/4, और यहाँ 36 लिख देते, 4 × 9 = 36, तो रिजल्ट क्या आता, 900, लेकिन ये 25 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो रिजल्ट 900 का 3 गुना आएगा, और 900 का 3 गुना क्या होगा, 2700,
क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? पीछे बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट। What is 15% of rupee 34? 34 का 15% क्या होगा ये आपको बताना है। 34 रुपए का 15% क्या होगा? तो 34 का 15% निकालेंगे, ठीक है ना। और जब देखो दो पे पॉइंट लगना है क्योंकि नीचे दो जीरो है, पांच से डिवाइड करेंगे तब भी पांच से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। पांच पंद्रह चौके 60 हो जाएगा, 15 3 45, 45 और 6 कितना होता है 51 बटे 100, यानी ₹5.10। सी ऑप्शन हो, ₹5.10 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। A number when increased by 50/3% gives 1540 as result. The number is increased हो रहा है number कितना? 50/3%। 50/3% को क्या बोलते हैं? 50/3% को बोल देंगे 50/3 गुणे में कितना? 100। 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 1/6 1/6। तो number पहले कितना था? 6 था, अभी कितना हो गया? 7 हो गया इंक्रीज होने के बाद। क्लियर? 7 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1540। 7 की वैल्यू है 1540। कैसे आएगा? 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूना 14 एक आएगा, 7 दूना 14 220 का गुणा करके आएगा। 220 का गुणा अगर मैं किस में कर दूं? 6 में, तो 1320 आता है रिजल्ट। 1320 क्वेश्चन का आंसर होगा। 1320 हो जाएगा। पीछे बताओ यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, बाई वाट परसेंटेज इज 60% ऑफ 1750 मोर देन 45% ऑफ द सेम नंबर। 1750 का 60% समान संख्या के 45% से कितना प्रतिशत अधिक है? 1750 का 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5, 20% मतलब 1/5, तो 60% मतलब क्या हो जाएगा? 3/5। तो 1750 का 3/5, 1750 का 3/5 सेम संख्या से कितने परसेंट कह रहा है? 45% से, यानी 1750 का कितने परसेंट? 45%। इसको वही रहने देते हैं, 60% ही, 60%। क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे? कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इन दोनों का रेशियो बना दूं सीधे सीधे, 1750 के 60% और 1750 के 45% से कितना अधिक है? तो दोनों का रेशियो बना दिया, 1750 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 3 से 4 कितना अधिक होगा?
एक बटे तीन है ना, और एक बटे तीन को क्या कहते हैं, 33 1/3%, 33 1/3%। सत्रह सौ पचास के 45% से कितना अधिक होगा, तो हमने कहा 1750 का 60% और 1750 के 45% का क्या लगा देंगे रेशियो, तो रेशियो क्या आएगा 4:3, तो कितना अधिक होगा 1/3, 1/3 को क्या कहते हैं 33 1/3% या 33 1/3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बी आ रहा है देखो, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 812, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, एक विद्यालय में कुल छात्रों के 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, ये सवाल में आ रहा है। आप बताओ कितने परसेंट, 60% लड़के हैं ना, कुल 100% रहे होंगे टोटल, 100% में से अगर 60% बॉयज हैं तो बताओ यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हैं 40%, डन यहाँ तक। बताओ गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है 812, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं पूछा है, 40% की वैल्यू गिवन है कितनी 812, अगर 40% की वैल्यू 812 है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 60% की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6, तो 4 हटा देते हैं, 10% कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 203 होगा, तो आप बताओ 60% क्या होगा, 203 × 6 6 3 18 6 0 0 1 6 2 12 1218, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1218, सेकंड ऑप्शन 1218, क्लियर ना। आप बताओ हमें 40% कितना दे रखा है, 812 दे रखा है और हमें निकालना कितना है 60%, तो 40 और 60 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6, तो यहाँ का 4 गायब कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 10% और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 203, अब 203 में 6 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1218, जो कि 60% होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है तो संख्या क्या है, कह रहा है एक संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, तो एक संख्या मैंने x मान ली कि x का 25% किससे बोल रहा है 650 के 18% से, 650 के 18% से कितना कम है बोलो, 19 कम है, तो आप इसे सॉल्व करोगे रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का 25% यानी x बटे 4 हो जाएगा, x बटे 4, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 5 90, 18 6 108, 108 और 9 117 बटे में 10 माइनस 19, ये कर सकते हैं। आगे बढ़ोगे x बटे 4 बराबर 0 0 कैंसिल हो गया, 117 से 19 माइनस करोगे कितना आएगा 98, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी,
98 गुणे में 4, 4 8 32, 4 9 36, 36 और 3 39, 392। तो 392 क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। दिख नहीं रहा है क्या? क्लियर है यहां तक? x बटे 4 बराबर होगा 1170 बटे 10 माइनस 19, x बटे 4 बराबर 98, x की वैल्यू कितनी आ गई 392। बड़े आगे इसके, यहां तक क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, x इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज y, द परसेंट दैट y इज लेस देन x इज, x y से 6 गुना बड़ा है तो y x से कितना परसेंट छोटा है? x y से 6 गुना बड़ा है तो y x से कितना परसेंट छोटा है? x y से 6 गुना बड़ा है तो y x से कितना परसेंट छोटा है, बताना आंसर। देखना x और y का रेशियो निकालेंगे, एक्स वाई से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है तो यानी ये 1 होगा, ये कितना होगा 6 गुना ज्यादा, 6 गुना क्या होगा 6, और 6 ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 7। तो वाई एक्स से कितना कम परसेंट कम है, वाई एक्स से कितना कम जा रहा है 6 कम जा रहा है, किससे बोलो एक्स से, सवाल मेरी तो बोल रहा है एक्स से कितना कम है, तो एक्स कहां आ जाएगा 7 नीचे, इनटू में कितना बोलो 100, तो क्या रिजल्ट आएगा 600 बटे 7%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 8 56, 4 7 5 35, 5 85:5/7%, 85:5/7%। यहां तक क्लियर हो रहा है? पीछे प्रश्न नंबर 10, 360 मीटर, 360 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर, 360 मीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना है, 360 किलोमीटर, 360 मीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होगा, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, याद होना चाहिए। ये बीच में क्या होता है, मीटर होता है, अगर बीच में मीटर है तो किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, अगर ये लीटर है तो किलोलीटर, ये हेक्टोलीटर, ये डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर और ये मिलीलीटर, अगर ये ग्राम है तो ये किलोग्राम, ये हेक्टोग्राम, ये डेसीग्राम, है ना, ये डेकाग्राम, ये डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये मिलीग्राम, याद रहेगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, अगर ये मीटर है तो बताओ एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो एक लिखेंगे, सेंटीमीटर कितने जीरो आ रहे, एक जीरो दो जीरो, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक किलोमीटर में, किलोमीटर के सामने एक लिख दिया, एक दो तीन, कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3 जीरो, तो 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो एक लिख दिया, एक दो तीन चार पांच छह, छह जीरो बढ़ जाएंगे, 10 की पावर कितना 6, एक किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर होते हैं, क्या ये बात समझ आ रही सभी को? तो नोट करेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, एक मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, ऊपर से आते हैं तो जीरो बढ़ता जाता है, एक मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो एक बटे कितना करोगे, एक और दो सौ, एक बटे सौ डेसीमीटर, बात समझ आ रही है। ऊपर जाओगे तो नीचे जीरो पड़ेगा और नीचे आओगे तो बगल में जीरो पड़ेगा, मतलब नीचे आओगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाओगे तो डिवाइड होगा, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखना सवाल में, परसेंट तभी निकल सकता है जब यूनिट सेम हो दोनों के, यहां पर यूनिट है किलोमीटर की और यहां पर यूनिट है मीटर की, तो 360 मीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा, तो 360 मीटर लिख देंगे और 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2 गुणे 1000, और परसेंट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 18%। नोट करना, जाएगा दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जो मैं यहां लिखूंगा ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 50 मिलीमीटर है ना, अगर मैं पूछ लूं 50 मिलीमीटर 100 मीटर का कितना परसेंट है, 100 मीटर का, तो 100 मीटर में कितने, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 है ना। तो 100 गुणे 1000 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 50 upon 100 into 1000 into 100, ठीक है ना। तो आ जाएगा आंसर कितना, 0.005, 0.05, 100 से भाग करेंगे क्या होगा, 0.05%, 0.05%, डन। तो याद रखना है आपको जो मैंने लिखवाया, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 घंटे 40 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 6 घंटे 40 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो यहां भी यूनिट सेम होने चाहिए, या तो इसे आवर में ही लिख दो या तो इसे मिनट में लिख दो, ठीक है ना। तो मिनट में चेंज करेंगे तो बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, 360 मिनट, 360 मिनट और 40 मिनट कितने हो गए, 400 मिनट। तो 400 मिनट पूछ रहा है कितने का, एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब आपके प्रतिशत यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसे सॉल्व करना है, क्लियर ना। ये भी मिनट में आ गया, मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम देखोगे जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 100, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 3, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 5, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 50, 50 और 5 कितने होते हैं, 250/9, 250/9% हो जाएगा। तो याद रखना जब भी परसेंट आपसे पूछा जाएगा तो दोनों के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो इस पूरे को आवर में चेंज कर दो या तो पूरे को मिनट में चेंज कर दो, ठीक है ना। अगर आप इसे मिनट में सबको चेंज कर रहे हो तो इस वनडे में, वनडे को किस में लिखा जाएगा, मिनट में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 24 × 60 मिनट होंगे, डन। अगला क्वेश्चन, एक हजार के 25% के 1% का 1% कितना होगा, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, सॉल्व करो। देखना ध्यान से, 1000 के 25% के 1% का 1%, तो 1000 का सबसे पहले निकालेंगे 25% का मतलब 1/4 होता है, और 1% 1/100, 1% 1/100, तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 जीरो कैंसिल हो, क्या रिजल्ट आया, 1/40 है ना। 1/40 को अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो ये 10 हो जाएगा, जीरो लगा दूं तो ये 100 हो जाएगा, है ना। अब अगर ये 100 आएगा तो 40 से भाग करेंगे, 40 से भाग करेंगे कितना आएगा, 40 × 2 = 80 बचेगा कितना, 20, और 20 में अगर 0 फिर से बढ़ेगा तो 5, तो यहां पर आ जाएगा 0.025%, 0.025%। यहां 0 लगेगा तो 0.025%,
क्लियर इतनी बातें? अगला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो क्या है। ए की इनकम जो है वो बी से 40% कम है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट अधिक होगी? ए की इनकम बी से 40% कम है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट अधिक होगी? क्लियर? देखना, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी ए की इनकम बी से कितने परसेंट कम है? 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5, यानी बी की इनकम 5 है और इससे 2 कम है, तो ए की इनकम कितनी है? 3 है। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि जो ए की इनकम है वो कितने परसेंट अधिक है बी की इनकम से, भाई बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक है? कितनी अधिक है बताओ? 2। किससे अधिक है? ए की इनकम से, इनटू में 100, और 2/3 को क्या कहते हैं? 66 2/3%। नोट करना, टाइम देखा जा रहा है, 5 बजे जाना है आपको, कितने बजे जाना है? ठीक है, 5:30 तक पढ़ाऊंगा ही, हटाऊं? अगला क्वेश्चन, अगले दिन मेरी पीपीटी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करो क्वेश्चन, इफ एज इनकम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए, ए से कितना कम है? यदि ए की आय बी से 12.5% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? 12.5% का मतलब कल बताया था मैंने, 12.5% को चेंज करेंगे तो 125/10 आ जाएगा, परसेंट का मतलब होता है 100, कर सकते हैं 25 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे, 25 का 5 बार, 5 का 2 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 1/ क्या लिख सकते हो आप? 8 लिख सकते हो, कल बताया था मैंने। सवाल में ये बोल रहा है यदि इतना अधिक है किससे? ए बी से, तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा 8, और इससे एक अधिक है तो ए कितना हो जाएगा? 9। अब सवाल में पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, कितनी कम है बोलो? 1, और किससे कम है? ए से, ए कितना है? 9 गुणे में 100, क्या रिजल्ट आएगा? 11:1/9%। हो जाएगा इतना, बड़े आगे इसके, यहां तक क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए?
देखना ध्यान से, आयत की लंबाई, उसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर लंबाई को 60% बढ़ा रहे हैं तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 60% बढ़ेगी तो 3, भाई 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है, 3/5 होता है। तो लंबाई पहले 5 रही होगी और अभी लंबाई 3 बढ़कर कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना। अब हमें चौड़ाई का तो पता नहीं है चौड़ाई क्या होगी, बट लंबाई गुणे चौड़ाई सेम है, लंबाई गुणे चौड़ाई जो यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर आनी चाहिए। अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है, जैसे हमने कहा कि 5 5 और 3 का रेशियो है, किस रेशियो में मल्टीप्लाई करूं कि रेशियो बराबर आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 15 मान लिया, 15 15, तो रेशियो क्या आएगा, 3 और 5 3 और 5। जब कोई चीज सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो रेशियो अपोजिट हो जाता है, रेशियो क्या हो जाता है, अपोजिट। और अगर नहीं भी पता तो ध्यान दो, अगर इन दोनों को मुझे बराबर लाना है तो 8 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 40 होता है। तो 40 इधर भी ले आऊं और 40 इधर भी ले आऊं, है ना, तो आप बताओ यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, 8, और यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, 5। क्लियर ना, जो इसका विड्थ हो क्या हो जाएगा, जो चौड़ाई है वो 8 से 5 हो जाएगी, और 8 से 5 होने का मतलब है कितनी कम हो जाएगी, 3। किससे कम होगी, 8 से, गुणे में कितना, 100, गुणे में आ जाएगा 100। तो 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 या 75, 75 का आधा क्या होता है, 37.5%। नोट करना, लंबाई अगर बढ़ रही थी 60%, तो 60% का मतलब 3/5 होता है। हमने कहा 5 से लंबाई हो गई 8। एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों जगह समान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने माना इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40, तो 40 यहाँ भी होगा तो 40 यहाँ भी होगा। 5 को 8 से गुणा करते हैं तब 40 आता है, 8 को 5 से गुणा करते हैं तब 40 आता है। तो चौड़ाई का रेशियो क्या आ गया, 8:5, कितना कम हो गया, 3, 8 से गुणे में 100, तो रिजल्ट क्या आएगा, 75/2%, जिसको कहते हैं 37.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गया आया, परसेंटेज मैंने पढ़ाया, अच्छा। A is 20% more than B and B is 30% less than C. If A is 210, then what is the value of C? A B से 20% अधिक है, A जो है वो B से कितना अधिक है, 20%, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5, तो A B से 20% अधिक है, इसका मतलब B 5 है और A 1 अधिक है, A कितना है, 6, ये रेशियो आ गया A और B का। आगे देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा C B से 30% कम है, जो C है वो B से 30% कम है, 30% को क्या बोलते हैं, 3/10 बोलते हैं, 30% को बोलते हैं 3/10। इसका मतलब है अगर B 10 होगा तो 3 कम होगा, लेकिन B तो सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब वो 1.5 कम होगा, तो बताओ C कितना है, 3.5 है, C कितना है, 3.5 है। अगर ये 10 होता तो ये 3 कम होता, 7 होता ना, लेकिन अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा, ये 3.5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, A 210 है तो B का मान बताएं, A 210 है तो B का मान बताएं, A की वैल्यू कितनी है, 210 है, कैसे आएगी 210, A की वैल्यू 6 से डिवाइड करेंगे, या हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, A की वैल्यू 6 है
और 6 की वैल्यू कितनी गिवन है बोलो, 210। 6 की वैल्यू गिवन है 210 और हमें किसकी निकालनी है, 5 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 2 12, 6 3 18, 6 5 30, 35। 1 की वैल्यू 35, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 3 15, 15 2 17, 175। 175 क्या क्वेश्चन में कह रहा, ए बी से 20% अधिक है, ठीक है, तथा सी बी से 30% कम है, ठीक है। यदि ए 210 है, यदि ए 210 है तो बी का मान क्या होगा। अच्छा, ऊपर सी का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, सी का मान पूछेगा। तो एक की वैल्यू 35, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, इंग्लिश में देखो सी की वैल्यू आ गई आपकी 3.5। 3.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी निकल के, 35 × 3.5, तो रिजल्ट पॉइंट में आएगा। ऑप्शन इसके गलत है फिर तो, 35 का स्क्वायर होता है 1225। 1225 हिंदी में क्वेश्चन गलत है, हाँ हिंदी में क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में देखना क्या है, ए इज 20% मोर देन बी, ठीक है ना, एंड बी इज 30% लेस देन सी, बी सी से 30% लेस है, तो इसका मतलब ये 10 है, तो ये कितना है, 7 है, ये रेशियो बन गया। इन दोनों को इक्वल करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई, ऊपर 7 से और नीचे कितने से, 5 से, तो यहां भी कितने से, 7 से, और यहां कितने से, 5 से, तो बताओ ए कितना आएगा, 42, बी 35 और सी 50, ये रेशियो आएगा। 42 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 210। 42 का 5 बार गुणा करते हैं तो आता है 210, 1 की वैल्यू 5। 50 की निकालनी थी ना सी की, तो 50 पंचे कितना होता है, 250, तो 250 क्वेश्चन का आंसर आता है, बी ऑप्शन। यहां तक क्लियर है, हिंदी का क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में देखो, ए इज 20% मोर देन बी, तो ए बी का रेशियो आ गया 6:5, और बी जो है 30% लेस है सी से, तो ये आ गया 7:10। बी इक्वल इक्वल करने के लिए इसके 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 5 से इसमें करेंगे, रेशियो बनेगा 42 35 और 50। 42 की वैल्यू दे रखी है आपको, 50 की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। सॉल्व करिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई को 10% यदि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 15% बढ़ाया जाता है, तो इसके आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना, हाँ, अगर मैं आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दूं तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, 10 से 11 हो जाएगी, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। चौड़ाई को कितना बढ़ा दूं, 15%, तो 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, और 15/100 को क्या कहते हैं, 5 3 15, 5 से काट दिया 20, 3/20, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आप बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई पहले कितना आया, लंबाई गुणे चौड़ाई पहले कितना आया बोलो, 200 आया, दिख रहा है इसमें 200 आया, और 23 × 11 कितना आएगा, 253, 253 कितना बढ़ जाएगा, 53 बढ़ जाएगा, 53 बढ़ेगा किससे, 200 से, 53 बढ़ेगा 200 से, इंटू में कितना, 100, तो 53 का हाफ कितना होता है,
26.5%, नोट करना डी ऑप्शन। ये 200 से 253, ठीक है ना। बोलो पीछे क्लियर हो रहा है, यहां तक हो गया समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द बेस ऑफ ट्रेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ अ ट्रेंगल। एक ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/base × height, है ना। तो बेस और हाइट से मतलब है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इसका बेस इंक्रीज हो रहा है 10%। 10% का मतलब क्या हो गया कि बेस कितना हो गया, बेस हो गया 10 से 11, क्लियर। बेस हो गया 10 से 11। अब इसके बाद हाइट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो हाइट 5 से कितनी हो गई, 1 कम हो गई, कितनी हो गई 4। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके परसेंटेज चेंज ट्रेंगल के एरिया में क्या चेंज होगा, एरिया क्या होता है, 1/base × height, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा, 50 से 44। तो एरिया डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट डिक्रीज होगा एरिया, बोलो 6 डिक्रीज होगा ना, 50 से कितना कम हो रहा है 6, तो 6 कम होगा किससे, 50 से गुणे में 100, 12%। तो 12% क्वेश्चन का आंसर आएगा डी ऑप्शन। कौन सा 1/2, तो दोनों जगह रहेगा। बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करो। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जब एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल एक्स परसेंट से बढ़ जाता है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है, और एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो बताओ ए कितना परसेंट बढ़ रहा है, आपको पता है 20% बढ़ रहा है, और 20% का मतलब होता है 5 से कितनी हो जाएगी 6, है ना। तो आप बताओ दोबारा भी तो ए बढ़ेगा 5 से 6, क्योंकि एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 से 36, तो एरिया कितना बढ़ेगा, 11, किससे बढ़ेगा, 25 से गुणे में 100, 25 100 के कितना होगा 100, 44%, 44%, डन। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। अगर इसका इसकी साइड जो है वो 20% बढ़ती है तो इसका एरिया 44% बढ़ जाएगा। बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। आता नहीं, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 25%, देन द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। अगर एक सर्कल का रेडियस 25% बढ़ जाता है तो इसके एरिया में क्या चेंज होगा, है ना। ध्यान देना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो दोनों जगह होता है, आर क्या होता है, 25% बढ़ जाता है, तो आर की वैल्यू 4 से कितनी हो जाती है, 5, क्योंकि 25% का मतलब क्या होता है, 1 बाई
फोर, चार से पांच हो जाती है। आर एक बार और यूज हो रखा है, दोबारा आर यूज करेंगे तो चार से कितना हो जाएगा, पांच। तो रेडियस क्या हो जाता है, 16 से 25। कितना बढ़ जाता है, 9, और किससे बढ़ेगा, 16 से × 100। तो 9/16 × 100, इसको 4 से भाग करेंगे 4, इसको 4 से भाग करेंगे 25, 25 9 225/4 परसेंट। ऑप्शन 4×5 20 हो जाता है, 4×5 20, 2 इधर आएगा, 4×6 24, 56 सही 1/4%। नोट करना, उसका एरिया 56 सही 1/4% बढ़ जाएगा। हो जाएगा, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 56 सही 1/4%। अगला, एक घन सभी भुजाओं में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताओ। जो क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एक क्यूब, ठीक है ना। तो घन की भुजाएं कितनी बढ़ाई जाती है, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, यानी कि 2/5, है ना। तो आप बताओ, अगर ए एक बार 5 से 7 हो जाता है, दोबारा ए 5 से 7 हो जाता है, और तीसरी बार ए 5 से 7 हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब 125 से कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। डन। तो आप बताओ कितना बढ़ जा रहा है, ये 13 में से 5 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा, तो 218 बढ़ रहा है, 125 से × 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25 4 100, 25 5 125, 4 8 72 और 8, 872/5, 174 2/5% ये आंसर है। क्लियर ना। अगर एक क्यूब का जो साइड है वो 40% बढ़ जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा, 174:2/5%। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। बीस परसेंट हाइट इंक्रीज ही मान लो, इंक्रीज हो रहा 10%, त्रिज्या 20% और हाइट 10%, इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ पहले बेलन का जो आयतन होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से कोई मतलब नहीं है, हमें आर स्क्वायर एच लगाना है। तो जो रेडियस है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या होगा, 5 से 6 हो जाना।
दोबारा रेडियस इंक्रीज होगा 5 से 6, हाइट एक बार है तो हाइट इंक्रीज हो रहा 10%, 10 से 11, तो आप बताओ आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, 5, 5, 25, 25, 10, 250, 6, 6, 36, 396, या जाएगा कितना बढ़ रहा है बोलो यहां से, 96 और 50, 146 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 250 से इंटू 100, 5, 2, 10, 5, 5, 25, 292/5, 58.4%, ये आएगा 58.4%, क्लियर है यहां तक ना। अगर किसी भी सिलेंडर की जो रेडियस है वो 20% बढ़ जाती है और उसकी हाइट 10% बढ़ जाती है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना बढ़ जाएगा, 58.4%, 58.4%। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 16.66% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक बेलन शंकु की त्रिज्या में 16.... एक शंकु की त्रिज्या में 16.66% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, सॉल्व करो ना, बैठे क्यों, आता है तो समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, आपने तो परसेंटेज पढ़ा है ना, तो समझ क्यों नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, भूख लग रही है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई से कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर एच लगाना है, रेडियस इतना कम हो रहा है 16.66% इंक्रीज हो रहा है तो आप बताओ रेडियस क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, 16.66% का मतलब होता है 1/6, 6 से 7 हो रहा है रेडियस, दोबारा रेडियस कितना होगा 6 से 7, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी 10% डिक्रीज हो रहा है 10 से 9, तो आप बताओ आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, 6, 6, 36, 36, 10, 360, 7, 7, 49, 49 और 10 होता है 490, 49 कर देंगे 490 में से 50, 440, 441, ठीक है ना, कितना बढ़ जा रहा है बोलो, टोटल बढ़ रहा है 40 और 41, 81 बढ़ जा रहा है 360 से इंटू 100, 9 से डिवाइड किया 4, 9 से डिवाइड किया 9, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 5, 45/2, 45 का आधा क्या होता है 22.5%, अगर एक कोन की रेडियस 16.66% कम बढ़ जाती है और 10% इसकी हाइट डिक्रीज हो जाती है तो टोटल प्रभाव कितने का पड़ेगा 22.5% इसके वॉल्यूम पर, ठीक है ना,
देखना, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड, डिक्रीज लिखना था, क्या लिखा है, वो है डिमिनिश्ड बाय 10%, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन इज 16/21, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। लग गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है, हर को 10% घटाया जाता है, तो क्या लिखोगे आप, बात नहीं करो, बात नहीं, एक फ्रैक्शन है x by y, x फ्रैक्शन है x by y, 20% बढ़ाया गया, x अपने आप का 100% था, अब 120% हो गया, और इसे बढ़ाया घटाया गया 10%, तो ये कितना हो गया, 90% हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 16/21 है, इसी को सॉल्व करना है, तो देखो 0 30 90 होता है, 30 4 120, 3 7 21 और 4 4 16, तो आप बताओ x बटे वाई कितना आ गया, 4/7, तो 4/7 क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। हो जाएगा यहां तक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, if the numerator of a fraction is increased by 250% and the denominator is increased by 150%, then the value of the new fraction is 21/25, the original fraction kya hoga, dekho jo x bate y ek fraction hai, x ko kitna badhaya jata hai, 250%, to 350 ho jata hai, ise 150 badhaya jata hai, 250 ho jata hai, aur iski fraction value kitni aa jati hai, 21/25, तो यहाँ 0 0 कैंसिल कर दिया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो x बटे y बराबर आ जाएगा 21, ये 35 आ जाएगा, नीचे 35, 7 3 21, 7 5 35, 3/5, अगले क्वेश्चन पे चलोगे, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, If price of mangoes is increased by 20%, a person now can buy 5 mangoes less for 60 rupee, what is the original price of mango? ये तो सब एक में ही दे दिए, ये रहने दो, छोड़ दो, पढ़ाया नहीं है इसको मैंने। ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अगली क्लास जो भी होगी सीट मेरी रहेगी, तो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो पढ़ने में मजा आएगा। A student got 135 marks in an exam,
एंड फेल्ड बाय 63 मार्क्स इफ पासिंग परसेंटेज 36% देन द टोटल मार्क्स इज 135 अंक प्राप्त हुए और 63 अंकों से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 135 प्लस 63 चाहिए, ये पास होने के लिए चाहिए। और पास होने के लिए कितने परसेंट दे रखे हैं? 36%। बताओ कुल कितने परसेंट मार्क्स होते हैं? 100%। आपसे पूछ रहा है कुल कितने अंक होंगे, तो कुल 100% होंगे। हमें 36% की वैल्यू कितनी पता है? 13, 6, 18, 13, 6, 19, 190, 198, है ना। तो आप बताओ यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ 4% की वैल्यू, तो 9 से काट दूँ, 4% कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 25 चौका कितना होता है? 100, 25 से 22 में गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 550, ये आंसर है 550। कौन सा क्वेश्चन बचा है? लास्ट, ये क्या है लगाना एक बार, सॉल्व करना। A student got 45% marks in an exam. 50% कोई आंसर दे रहा, विक्रम सिंह। A student got 45% marks in an exam and failed by 10 marks. If the maximum marks in the exam is 200, then what is the minimum percentage marks required for passing marks? बताना। एक छात्रा को परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 200 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी? आप बताओ, अगर 200 अंक हैं टोटल, 200 अंक, तो 10 अंक कम हुए थे ना पास होने के लिए, तो ये 10 जो है वो 200 का कितना परसेंट है? 10 जो है वो 200 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे 5% है, 45% वो पाया ही था, तो 45 और 5, 50%। 45% जब पाया तो पास नहीं हुआ, 10 अंकों से फेल हो गया। अगर कुल मार्क्स 200 नंबर के हैं, तो 200 नंबर का 10 नंबर कितना परसेंट है? 5%। तो 45 में 5 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा 50% में। क्लियर? अगला क्वेश्चन। बाहर जो बैठे हूँ बुला देना बंद करने के लिए। हो गया। कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% बच्चे गणित में पास होते हैं, 40% मैथ्स में पास हो गए। इसके बाद 65% अंग्रेजी में पास हो गए, और इसके बाद 35% ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हैं और अंग्रेजी में पास हैं। तो यानी इसमें जोड़े गए हैं ना 35%, तो दो बार तो जोड़े नहीं जा सकते, कॉमन है, तो 35% माइनस कर दिया जो दोनों में पास हैं,
देखना ध्यान से, ये हो गए मैथ्स के, ये हो गए इंग्लिश के। अगर मैथ्स में और इंग्लिश में ये चीज तो कॉमन आएगी ना 35% वाली, तो एक बार माइनस कर देंगे क्योंकि एक बार हमने इसको जोड़ दिया है। क्लियर? अब बताओ जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट है? एक्स परसेंट। और कुल हैं कितने? 100%। डन। तो आप बताओ 40 में से 35 निकालेंगे कितना बचेगा? 5%। 5 और 65 कितना होता है? 70%। 70% प्लस एक्स परसेंट बराबर 100%। तो बताओ एक्स परसेंट की वैल्यू कितनी? 30%। 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो कल से इसको मैं टाइप वाइज पीपीटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अभी तो हमने बेसिक करा दिया इसमें, कल से स्टार्टिंग से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके क्वेश्चन करेंगे। बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन यही थे, बेसिक हमने कवर करा दिए। तो वीडियो को शेयर कर देना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।